हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के पास कार्ट्रेज वाल्व के बारे में बताने आया हूँ। कार्ट्रेज वाल्व कैसे काम करता है, कार्ट्रेज वाल्व का क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ट्रेज वाल्व क्या है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम का लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसमें लगाने पे क्या रहता है कि कार्ट्रेज वाल्व एक ब्लॉक मैनिफोल्ड के अंदर सारे कार्ट्रेज या तो इंसर्ट किए रहते हैं या स्क्रू इन करते हैं, टाइट किया रहता है कवर डाल के। उससे क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ फिटिंग्स रिड्यूस हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड पाइपिंग कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल लीकेज कम हो जाता है। लीकेज पॉइंट्स कम होने से क्या होता है कि हमारा ऑयल का वेस्टेज कम हो जाता है। अब एक स्टैंडर्ड कैविटी में कार्ट्रेज इंसर्ट किए रहते हैं, स्टैंडर्ड कैविटी मैनिफोल्ड ब्लॉक एंड हेल्ड इन प्लेस विद आइदर सेल्फ कंटेन्ड स्क्रू थ्रेड्स, या तो स्क्रू थ्रेड्स को टाइट किए रहते हैं, और एक कवर सिक्योर विद बोल्ट, या तो एक कवर ऊपर डाल के कवर को बोल्ट से टाइट कर देते हैं टू कम्प्लीट द कार्ट्रेज वाल्व डिजाइन कॉन्सेप्ट। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बेसिकली कार्ट्रेज वाल्व। टू टाइप्स होता है, एक स्लिप इन टाइप का रहता है कार्ट्रेज वाल्व, एक रहता है स्क्रू इन कार्ट्रेज। स्लिप इन मतलब उसमें इंसर्ट किया रहता है, और स्क्रू टाइप का रहता है तो उसमें स्क्रू रहता है जो स्क्रू हम टाइट करते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ कार्ट्रेज वाल्व। कार्ट्रेज वाल्व हैज सेवरल एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल लाइन माउंटेड और सबप्लेट माउंटेड स्क्रू टाइप डायरेक्शनल प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। वो एडवांटेज क्या क्या है? द एडवांटेज इंक्लूड्स ग्रेटर सिस्टम डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, सिस्टम डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर रहता है। लोअर इंस्टॉल्ड कॉस्ट, क्योंकि एक ही मैनिफोल्ड में रहता है इसलिए पाइपिंग कॉस्ट और फिटिंग कॉस्ट सर्वर बच जाता है, और चूंकि एक ही मैनिफोल्ड के ऊपर सारा रहता है तो उसमें स्मॉलर पैकेज साइज होता है, जगह ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लीकेज, इसमें एक्सटर्नल लीकेज का एलिमिनेशन खत्म हो जाता है एंड रिडक्शन ऑफ इंटरनल, और इंटरनल लीकेज रिड्यूस हो जाता है इसमें। अब चूंकि इंटरनल लीकेज और एक्सटर्नल लीकेज, इसमें क्या होता है कि बेटर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल, इसमें परफॉर्मेंस बेटर रहता है, कंट्रोल भी अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, हायर प्रेशर कैपेबिलिटी, इसमें प्रेशर कैपेबिलिटी हायर रहता है, मोर एफिशिएंट ऑपरेशन, ज्यादा एफिशिएंट होता है, ग्रेटर कंटामिनेशन टॉलरेंस, क्योंकि पाइपलाइन और बाहर नहीं तो लीकेज के चांसेस नहीं है, और तो कंटामिनेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, साइकिल लाइफ फास्टर हो जाता है, और इसमें नॉइस लेवल कम हो जाता है। अब कार्ट्रेज वाल्व जो ऑफर करता है कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्क्रू टाइप वाल्व के ऊपर, तो इसमें ये दोनों टाइप के जनरल यूज करते हैं, स्क्रू इन एंड स्लिप इन कार्ट्रेज वाल्व, दोनों का कम्बिनेशन यूज करते हैं, और ये सब एक कॉमन मैनिफोल्ड के ऊपर माउंट रहता है। अब बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्लिप इन कार्ट्रेज वाल्व पे आते हैं। स्लिप इन कार्ट्रेज वाल्व आर सिमिलर टू पोपेट चेक वाल्व। पोपेट वाल्व, चेक वाल्व आपको याद होगा कि हमने चेक वाल्व में बताया था पोपेट टाइप के चेक वाल्व के बारे में। पोपेट चेक वाल्व एंड कंसिस्ट ऑफ एन इंसर्ट असेंबली दैट स्लिप्स इनटू अ कैविटी। एक कैविटी में सब स्लिप रहता है, स्लिप इन किया रहता है, कैविटी मशीन इनटू अ मैनिफोल्ड ब्लॉक। ए कंट्रोल कोवर बोल्टेड टू द मैनिफोल्ड सिक्योर द इंसर्ट विद इन द कैविटी। एज वी कैन सी इन द फिगर द इंसर्ट इंक्लूड्स ए स्लिप, ए पोपेट, ए स्प्रिंग एंड सील्स। देखिए ये स्लिपिंग कार्ट्रेज टाइप का कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है। अभी ये देखिए, इसमें ये तुम्हारा आयल का आने का और ये जाने का पोर्ट है। इधर से हमारा एक पायलट लाइन आया हुआ है, एक ऑर्फिस के थ्रू आया हुआ है। ये पूरा कवर असेंबली है, ये इंसर्ट्स हैं। इंसर्ट्स में क्या क्या है, स्लीप, पोपेट, स्प्रिंग। स्प्रिंग हो गया, स्लीप हो गया, ये पोपेट है, ये मैनिफोल्ड ब्लॉक, स्प्रिंग चैम्बर, इसको स्प्रिंग चैम्बर है। द कार्ट्रेज वाल्व इंसर्ट्स कैन बी व्यूड एज द मेन स्टेज ऑफ टू स्टेज वाल्व। इसको कार्ट्रेज वाल्व इंसर्ट को जैसे मेन टू स्टेज वाल्व में जो मेन स्टेज वाल्व है ना, उसी के फॉर्म में देख सकते, कैन बी व्यूड उसी के तरीके से देखा जा सकता है। इट हैज टू मेन फ्लोज पोर्ट्स ए एंड बी। ड्रिल पैसेज इन द मैनिफोल्ड कनेक्ट द ए एंड बी पोर्ट्स टू अदर कार्ट्रेज और टू द ऑपरेटिंग हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली ए ड्रिल पायलट पैसेज इन द मैनिफोल्ड कनेक्ट द कंट्रोल पोर्ट एक्स एज डिजायर्ड। नोटिस द ऑर्फिस इन द, ध्यान दीजिए जो ऑर्फिस इन द ड्रिल पैसेज बिटवीन द एक्स पोर्ट एंड द स्प्रिंग चैम्बर ए पी। द पर्पस ऑफ दिस ऑर्फिस इज टू रिड्यूस द स्पीड एट विच द वाल्व पॉपेट ओपन्स एंड क्लोजेज। वेरियस ऑर्फिस साइजेज आर अवेलेबल टू ऑप्टिमाइज द ट्यून कार्ट्रेज रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू द एंटायर हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसा कि मैं बताया रहा था कि ये हमारे ए पोर्ट है जिससे आयल आता है, बी पोर्ट से आयल जाता है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग चैम्बर एपी, और इसको ऑपरेट करने के लिए हमारा एक पायलट आया हुआ और यहाँ पे एक ऑर्फिस डाला हुआ है। ऑर्फिस क्या है, इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वेरी साइज कम बना सकते, जितना बड़ा ऑर्फिस रहेगा उतना फास्ट आयल अंदर आएगा और जाएगा, और ये इंसर्ट्स है। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट एरिया रेशियो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि टोटल जो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है, और फोर्स क्या है, एरिया इनटू प्रेशर है। तो जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है कार्ट्रेज वाल्व इंसर्ट्स हैज थ्री एरियाज ए ए, ए बी एंड ए ए पी।
एरिया रहेगा, ये ए बी एरिया रहेगा और ए ए पी एरिया रहेगा। ए इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द पॉपेट एक्सपोज टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का जो इफेक्टिव एरिया एक्सपोज पॉपेट का एक्सपोज टू द एयरपोर्ट है, तो इफेक्टिव एरिया ए हुआ। ए भी द इफेक्टिव एरिया ऑफ द पॉपेट एक्सपोज टू द बी पोर्ट, जो बी पोर्ट में एक्सपोज रहेगा वो ए बी एरिया हुआ। ए पी इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द पॉपेट एक्सपोज टू द स्प्रिंग चैम्बर ए पी। ठीक है, स्प्रिंग चैम्बर ए पी का जो इधर एक्सपोज रहेगा ए पी हुआ, जो इधर एक्सपोज रहेगा ए एरिया ऑफ बी हुआ, और इधर जो ए पोर्ट में एक्सपोजर रहेगा ये एरिया ए ए हुआ। ठीक है, ए ए पी द एरिया ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ए बी एंड एरिया ए बी एरिया। ए पी ए पी का जो एरिया है चैम्बर एरिया है, चैम्बर का जो एरिया है इधर के एरिया और इधर के एरिया के सम के बराबर हमेशा रहेगा, इक्वल ऑलवेज। द एरिया रेशियो ऑफ एन इंसर्ट इज द रेशियो ऑफ द ए रेशिया एरिया ऑफ द ए पी एरिया। जो एरिया रेशियो रहेगा इंडिविजुअल का, जैसे ए ए ए को जब हम इसे डिवाइड कर देंगे ए पी से, तो उसका एरिया रेशियो स्पूल रेशियो डिफरेंस है जो मैंने दिखा रखा। आप देखिए एरिया 1:1 देख रहे हैं, इधर का एरिया ए ए का एरिया और ए पी का एरिया बराबर है, तो ये 1:1 हुआ। ये एरिया एक्सपोज एरिया जो ए पोर्ट को है इतना है, इतना ही है और इसका इतना है, तो इसका रेशियो क्या है 1:2। ये अगर 1 है तो ये 1:1 है, ये ज्यादा है इससे, बी और कम है, इससे अगर माइनस कर देंगे 1.1 से तो 0.1 एरिया। अब ये एरिया 1:2 है, ये एरिया देखिए, अब ये एरिया और ये एरिया ये 1/2 है और ये एरिया रेशियो 1/2 हाफ हो गया, मतलब ये टू पार्ट है, इन दोनों के सम के बराबर है। ये एरिया रेशियो विथ मीटरिंग नॉच, विथ मीटरिंग नॉच देखिए एक मीटरिंग नॉच दिखा दिया, ये रेशियो मीटरिंग नॉच के साथ दिखा है। तो फ्रेंड ये स्पूल रेशियो के बारे में हुआ और प्रिलिमिनरी कार्ट्रिज वाल्व के बारे में हुआ। मैं अगला लेक्चर में अब इसके आगे बताऊंगा, तो कार्ट्रिज वाल्व क्या है, उसका फायदे क्या है और कैसे काम करता है मैं अगला लेक्चर में बताऊंगा। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं और इसको देख के मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ जाएगा कि कार्ट्रिज वाल्व के एडवांटेज क्या है और कहाँ लगाते हैं और कैसे काम करता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।